हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका एक बार फिर से आईएएसपीएससी सॉल्यूशन में। देखिए, बीपीएससी सहायक के लिए वैकेंसी आई हुई है, तो इसके लिए मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ कि इसमें कितने वैकेंसी जो है, कितने पदों के लिए जो है वो वैकेंसी आई हुई है। अब देखिए, इसका फाइनली जो है वो ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया है। इसमें सिलेबस जो है वो आ गया है, कैसे आपको क्रैक करना है इसको, ये मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। तो बहुत ही इजी सिलेबस है, कोई टफ नहीं है, आप बिल्कुल आसानी से इसको क्रैक कर सकते हैं। और देखिए, इसमें प्री और मेंस दो एग्जाम होने वाले हैं, और दोनों एग्जाम जो है वो काफ़ी इजी है। सबसे खास बात है, मैं आपको ये बता दूं कि इसमें सीटें जो है वो बहुत कम है। तो बहुत लोग जो है वो ये सोचकर फॉर्म अप्लाई नहीं करते हैं कि सीट कम है, लेकिन सीट आपको बस एक सीट की ज़रूरत है, इसके हिसाब से सीट बहुत ही ज़्यादा है। दूसरा फायदा आपको ये होगा कि यहाँ पे भीड़ बहुत ही कम होने वाला है, क्योंकि सीट कम है तो बहुत ही कम लोग जो है वो अप्लाई करते हैं। और एक चीज़ और मैं आपको बता दूँ, इसमें 100 से ऊपर कट ऑफ नहीं जाने वाला है। तो चाहे बीपीएससी में 1000 सीट आए, 2000 या 100 सीट आए, इसमें जो है वो 100 के आसपास जो है वो कट ऑफ रहता है। तो इसमें भी 100 से ऊपर कट ऑफ नहीं जाने वाला है, और सिलेबस जो है वो बहुत ही आसान है, कोई टफ नहीं है। तो इन्हीं सब टॉपिक के ऊपर इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं। देखिए, इसके लिए बुक जो है हम लोग कौन सा फॉलो करें, क्या पढ़ें क्या नहीं पढ़ें, इन सब के ऊपर जो है बात करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। मेरा नाम है अभिमन्यु। लेकिन एक बात आपको बता दूं शुरू करने से पहले, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा, ताकि हमारे सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। देखिए, सबसे पहले तो यहाँ नोटिफिकेशन, ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया है बीपीएससी की ओर से। इसमें टोटल जो पद है यहाँ पे आप देख सकते हैं, टोटल इतने पद हैं। तो ये सब जो है वो मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ कि इसमें टोटल जो है वो पद कितने हैं। अब देखिए, इसमें मेनली हम लोग सिलेबस को देखेंगे कि इसका सिलेबस क्या है। देखिए, सिलेबस यहाँ पे दिया हुआ है एग्जाम का, यहाँ पे आप देख सकते हो। शैक्षणिक योग्यता मैंने पहले भी आपको बताया है, ग्रेजुएशन होना चाहिए। ग्रेजुएट यदि आप हैं तो इस फॉर्म के लिए एलिजिबल है, आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अब देखिए, यहाँ पे दिया हुआ है चयन प्रक्रिया, यहाँ पे चयन प्रक्रिया दिया हुआ है, कैसे जो है वो इसमें चयन किया जाएगा। परीक्षा जो है वो दो चरणों में होगी, मैंने अभी आपको बताया। परीक्षा जो है वो पीटी और मेंस दो चरणों में लिया जाएगा। प्रथम चरण में प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। प्रारंभिक परीक्षा में सफल उम्मीदवारों से मुख्य प्रतियोगिता परीक्षा के लिए अलग से पुनः ससमय आवेदन आमंत्रित किए जाएंगे। मतलब कि जो स्टूडेंट प्री क्लियर करता है उसके लिए फिर मेंस एग्जाम कराया जाएगा, अलग से फॉर्म जो है वो अप्लाई करवाया जाएगा, जैसा कि और एग्जाम में होता है बीपीएससी में। प्रारंभिक एवं मुख्य परीक्षा में आवेदन में दी गई सूचनाओं में भिन्नता होने की स्थिति में आवेदक को मुख्य परीक्षा में सम्मिलित होने से वंचित किया जाएगा। मतलब कि आपने जो इन्फॉर्मेशन प्री में दिया है वही आपको मेंस में भी देना है, कोई गड़बड़ी यहाँ पे नहीं करनी है। खैर, अभी जो है वो प्री का ही फॉर्म भरना है, थोड़ा सावधानी से आप फॉर्म भरेंगे। और आप चाहते हैं कि मैं इसके लिए भी वीडियो बनाऊं कि कैसे आपको स्टेप बाय स्टेप फॉर्म भरना है, तो आप मुझे कमेंट में जरूर बताएं। ओके, अब यहाँ पे एक नोट में दिया हुआ है, इस परीक्षा के लिए प्राप्त आवेदनों की समीक्षा के बाद यदि आवेदन पत्रों की संख्या 40,000 से कम होगी तो प्रारंभिक परीक्षा नहीं लिए जाने के संबंध में आयोग विचार करेगा, और इस संबंध में आयोग का निर्णय अंतिम होगा। तो देखिए, आप लोग जो है वो फॉर्म जरूर अप्लाई कर देंगे, क्योंकि बहुत ही कम लोग जो है, जैसे ही लोग एडवर्टीजमेंट देखेंगे देखेंगे कि 51 सीट है, लोग फॉर्म नहीं भरेंगे। अब इसमें होगा क्या कि 40,000 से कम अगर लोग हो जाते हैं तो इसमें प्री का एग्जाम नहीं लिया जाएगा, डायरेक्टली जो है वो मेंस का एग्जाम लिया जाएगा, और एक ही एग्जाम में आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अब चलिए सिलेबस थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं कि इसका सिलेबस क्या है। थोड़ा सा मैं इसको स्क्रॉल करता हूँ, 1 मिनट थोड़ा सा आप वेट करें स्क्रॉल करने के बाद। देखिए, प्रारंभिक परीक्षा के लिए यहाँ पे सिलेबस दिया हुआ है, आप देख सकते हो यहाँ पे प्रारंभिक पीटी के लिए। देखिए, प्रारंभिक परीक्षा में एक पत्र सामान्य ज्ञान का होगा, परीक्षा का विषय एवं प्रश्नों की संख्या निम्नवत होगी। मतलब कि एक ही पेपर होगा जिसमें सामान्य अध्ययन,
सामान्य अध्ययन के प्रश्नों की संख्या जो होगी वो होगी 50, मतलब कि जनरल स्टडी से 50 प्रश्न पूछे जाएंगे, सामान्य विज्ञान और गणित से 50 प्रश्न पूछे जाएंगे, मानसिक क्षमता और जांच से 50 प्रश्न पूछे जाएंगे। मतलब कि जो बिहार एसएससी का सिलेबस था वही सिलेबस यहाँ पे है। और देखिए यहाँ पे सामान्य विज्ञान और गणित लिखा हुआ है, इसमें साइंस से ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं, मैथ से कम पूछा जाएगा। मतलब अगर हम लोग दो भागों में इसको डिवाइड कर दें 50 क्वेश्चन को, तो 25 25 क्वेश्चन हो गया। लेकिन यहाँ पे मैथ में 25 से भी कम प्रश्न पूछे जाते हैं, ज़्यादातर साइंस से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो अगर आपका जनरल स्टडीज, साइंस और रीजनिंग ये तीनों कंप्लीट है, तो आप इसको आसानी से क्रैक कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे कई स्टूडेंट जो है रेलवे की तैयारी कर रहे थे, रेलवे में जस्ट जो है वो यही सिलेबस अभी था। इसमें जनरल स्टडी से भी प्रश्न पूछा जा रहा था, मैथ से भी और रीजनिंग से और साइंस से। अब देखिए जो लोग इसकी तैयारी कर रहे थे रेलवे की, वो लोग इसको आसानी से क्रैक कर सकते हैं। और इसके लिए स्पेशल, आप यदि कहें तो स्पेशल वीडियो जो है वो हमारा आएगा, स्पेशल क्लास में इसके लिए स्टार्ट करूंगा। तो बहुत ही आसान है इसके लिए। बुक मैं आपको बता दूं कौन कौन से, चलिए लास्ट में बुक के बारे में मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन सा बुक, बस 2 से 3 बुक जो है आपको पढ़ना है, इससे इजिली जो है आपका क्रैक हो जाएगा। अब देखिए परीक्षा की अवधि 2 घंटे 15 मिनट की होगी। इसके बाद सामान्य ज्ञान, प्रारंभिक परीक्षा में प्रश्न पत्र की भाषा माध्यम हिंदी और अंग्रेजी दोनों होगी, मतलब कि हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में इसका एग्जाम जो है वो लिया जाएगा। अब देखिए सामान्य अध्ययन में कहाँ कहाँ से प्रश्न पूछे जाएंगे, इसमें इसमें प्रश्नों का उद्देश्य अभ्यर्थियों के आसपास के वातावरण की सामान्य जानकारी तथा समाज में उनके अनुप्रयोग के संबंध में उनकी योग्यता की जांच करना, वर्तमान घटनाओं और दिन प्रतिदिन की घटनाओं में सूक्ष्म अवलोकन तथा उनके प्रति वैज्ञानिक दृष्टिकोण जैसे मामलों की जानकारी संबंधों ऐसे प्रश्न भी शामिल किए जाएंगे। अब देखिए यहाँ पे मेनली ये कहा जा रहा है कि यहाँ पे करंट अफेयर्स प्रश्न जो है वो शामिल किया जाएगा। 50 प्रश्न है जनरल स्टडीज में, जिसमें आपको मानकर चलना है कम से कम 20 प्रश्न जो है वो 15 से 20 प्रश्न करंट अफेयर का आएगा। इसके लिए जो है स्पेशल हमारा ई बुक लॉन्च हो रहा है जनवरी से लेकर के अब तक का, इसमें जनवरी से अब तक का सारा जो करंट अफेयर है वो इसमें इंक्लूड किया गया है। तो ये आपके लिए काफी महत्वपूर्ण होगा, 10 से 15 दिनों के अंदर ये लॉन्च हो जाएगा, तो ये आप पढ़ सकते हैं। बाकी हमारा वीडियो जो है वो लगातार आते रहेगा इसके लिए। इसके बाद समसामयिक विषय के बाद जो है वो भारत और उसके पड़ोसी देश, मतलब कि ज्योग्राफी, इतिहास, भूगोल, इतिहास, इन सब के बारे में भी आपको जानना है, तो यहाँ से भी कुछ प्रश्न पूछे जाएंगे। चलिए थोड़ा सा इसको और स्क्रॉल डाउन पहले करता हूँ, इसके बाद हम लोग नीचे देखेंगे और क्या सिलेबस है, मेंस का सिलेबस क्या है। देखिए इसके बाद जो है इसके बाद हिस्ट्री से भी प्रश्न पूछा जाएगा, ज्योग्राफी से भी, इकोनॉमिक से भी और पॉलिटी से भी। अब देखिए यहाँ पे भी सबसे ज़्यादा जो प्रश्न पूछा जाएगा वो हिस्ट्री से पूछा जाएगा, ज्योग्राफी से और कुछ एक दो प्रश्न पॉलिटी से भी पूछा जाएगा। हिस्ट्री पे आपको ज़्यादा फोकस करनी है और ज्योग्राफी पे यहाँ से प्रश्न पूछा जाएगा। इसके बाद पॉलिटी में भी कुछ ही टॉपिक से, जैसे आपको पंचायती राज यहाँ से प्रश्न पूछा जाएगा, जो भी यहाँ पे दिया हुआ है उससे कम पूछा जाएगा। मैं इसके लिए और भी सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। इसके बाद सामान्य विज्ञान एवं गणित मैट्रिक स्तर के 10th लेवल का मैथ और साइंस होगा, इसके लिए भी स्पेशल सीरीज हमारा चल रहा है साइंस का, और इसमें मैं एमसीक्यूज बताता हूँ आप लोगों को, और एमसीक्यू के साथ साथ उसमें एक्सप्लेन इतना ज़्यादा किया हुआ होता है कि यदि आपने डिटेल्स में नहीं पढ़ा है तो पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस इसी से आपका कंप्लीट हो जाता है। अब देखिए इसके बाद है मानसिक क्षमता और जांच, मतलब कि रीजनिंग, रीजनिंग से 50 प्रश्न पूछे जाएंगे, और रीजनिंग सबसे आसान है, इसमें जो है वो 1 महीने में आप बेहतर तैयारी कर सकते हैं रीजनिंग की। अब देखिए इसके लिए जो है यही जो है आपका रिजल्ट बनाएगा, रीजनिंग आपका रिजल्ट बनाएगा। अब रीजनिंग के लिए कौन सा बुक पढ़े, चलिए सबसे पहले आपको मैं बुक के बारे में अब बता दूं कि कौन कौन सा बुक जो है वो प्री के लिए आपको पढ़ना है। देखिए प्री के लिए सबसे पहले अगर करंट अफेयर की बात करें तो करंट अफेयर का स्पेशल सीरीज हमारा चल रहा है, और साथ ही साथ इसका ई बुक भी हमारा लॉन्च होने वाला है।
इसके बाद जनरल स्टडीज के लिए इसका जो है हमारा स्पेशल सीरीज चल रहा है, हिस्ट्री का भी स्पेशल सीरीज हमारा चल रहा है, ज्योग्राफी का भी चल रहा है और साइंस का भी हमारा स्पेशल सीरीज चल रहा है। अब देखिए इसके लिए स्पेशल एक और सीरीज हमको स्टार्ट करना होगा, वो है रीजनिंग का। तो आप यदि बताएंगे तो रीजनिंग का भी मैं स्पेशल सीरीज स्टार्ट कर दूंगा। अब बुक में जनरल स्टडीज के लिए सबसे बेहतर जो है वो है एनसीईआरटी, एनसीईआरटी, इससे बेहतर कोई बुक नहीं। इसके बाद दूसरे नंबर पे जो है वो है लुसेंट। इन दोनों बुक के अलावे आपको किसी भी बुक को नहीं पढ़ना है। ज्यादा बुक कलेक्शन करने से कोई फायदा नहीं होने वाला है, बस आपको इन दो बुक को ही आपको पढ़ने हैं। अब देखिए साइंस के लिए क्या पढ़े, साइंस के लिए बस 10th क्लास तक आप 10th क्लास तक एनसीईआरटी को आप पढ़ जाइए, इसके अलावा कुछ भी नहीं। यहाँ से इससे ज्यादा जो है वो प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। इसके बाद है मैथ। मैथ जो है आप आर एस अग्रवाल का पढ़ें, आर एस अग्रवाल, इससे बेहतर कोई नहीं है। और रीजनिंग के लिए, रीजनिंग के लिए मैं स्पेशल वीडियो बनाऊंगा, साथ ही साथ रीजनिंग के लिए आप किरण का जो बुक है इसको यूज कर सकते हैं। किरण में बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिस जो है, प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया हुआ रहता है, तो यहाँ अगर आप कर लेते हैं तो फिर क्वेश्चन जो है वो आपका नहीं छूटेगा। इसके बाद जो है स्पेशल हमारा सीरीज भी चलेगा। अब चलिए थोड़ा सा हम लोग बात कर लें इसका मेंस का सिलेबस क्या है, मेंस में कहाँ कहाँ से प्रश्न पूछे जाएंगे ये भी हम लोग देख लेते हैं। थोड़ा सा इसको स्क्रॉल डाउन करता हूँ। अब देखिए यहाँ पे है मेंस। देखिए मेंस एग्जाम के लिए अगर आप प्री की तैयारी कर रहे हैं, मेंस में दो पेपर होगा और मेंस में इन दो पेपर में पहला जो पेपर होगा जो प्री में एग्जाम हुआ है, प्री एग्जाम हुआ है, वही पेपर एक होगा और दूसरा जो पेपर होगा वो होगा हिंदी का। आप यहाँ पे देख सकते हैं प्रश्न पत्र 1 ये सामान्य हिंदी का होगा और दूसरा जो पेपर होगा वो सामान्य ज्ञान का होगा। और सामान्य ज्ञान में भी जो आपने प्री में दिया है, जो आपने प्री का पढ़ा है, जस्ट वही चीज़ है। सामान्य अध्ययन से 50 प्रश्न, सामान्य विज्ञान और गणित से 50 प्रश्न, मानसिक क्षमता और जांच से 50 प्रश्न, तो 150 प्रश्न होगा दूसरे पेपर का। पहले पेपर में 100 क्वेश्चन होगा हिंदी का, तो हिंदी तो बहुत ही ईजी है। और अगर 40,000 से कम स्टूडेंट इसमें अपीयर होते हैं, फॉर्म अप्लाई होता है, तो इसमें डायरेक्ट जो है वो मेंस का ही एग्जाम लिया जाएगा। यानी कि आपको इसकी तैयारी जो है वो कर देनी चाहिए। अगर प्री का एग्जाम भी होता है तो ये फायदेमंद होगा, यही सिलेबस है। अगर मेंस का होगा तो भी यही सिलेबस है, बस आपको एक पेपर ऐड कर दिया जा रहा है यहाँ पे हिंदी का। अब देखिए हिंदी विषय में अर्थांक 30% है जो अनिवार्य है, किंतु मेघा सूची के प्रायोजन इसकी गणना नहीं की जाएगी। मतलब कि आपको सिर्फ पासिंग मार्क्स यहाँ से लाना है, रिजल्ट जो है आपका यहाँ से नहीं बनने वाला है, रिजल्ट जो है आपका यहाँ से बनेगा। अब देखिए जो उम्मीदवार इस विषय में 30% अंक प्राप्त नहीं करेंगे, उनके मुख्य परीक्षा के दूसरे विषय सामान्य अध्ययन का मूल्यांकन नहीं किया जाएगा। मतलब कि आप 30% से कम लाते हैं तो ये जो है आपका पेपर नहीं जोड़ा जाएगा, इसका मूल्यांकन ही नहीं किया जाएगा, जांच ही नहीं किया जाएगा इस पेपर का, मतलब कि आप फेल घोषित कर दिए जाएंगे। इसके बाद प्रश्न पत्र 1 की परीक्षा में भाषा का माध्यम हिंदी होगा, हिंदी है तो हिंदी ही होगा। इस विषय में कुल प्रश्नों की संख्या 100 होगी, प्रत्येक प्रश्न के लिए एक अंक होगा, परीक्षा की अवधि 2 घंटे 15 मिनट होगी। तो ये है फुल सिलेबस इसका प्री और मेंस का, तो बहुत ही आसान है, कोई टफ सिलेबस नहीं है, बिल्कुल जो है वो बिहार SSC का सिलेबस है ये। अब देखिए थोड़ा सा मैं इसको और स्क्रॉल डाउन करता हूँ। सिलेबस मैंने आपको बता दिया कैसे कैसे जो है वो तैयारी आपको अब करनी है। अब देखिए यहाँ पे ऑनलाइन जो है इसका फॉर्म का ऑनलाइन कब से कब तक होने वाला है, अगर आप चाहते हैं कि इसके लिए भी वीडियो बनाया जाए कैसे आपको फॉर्म अप्लाई करना है तो आप जरूर बताएंगे। रजिस्ट्रेशन करने की जो तिथि है वो है 31/10/2018 से 20/11/2018 तक आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। 31 तारीख से जो है ये रजिस्ट्रेशन डेट स्टार्ट होगा, 20 तक रजिस्ट्रेशन किया जाएगा। परीक्षा शुल्क जो है वो 23 तक लिया जाएगा, फी आप पेमेंट कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम तिथि 30/11 तक होगी, मतलब कि रजिस्ट्रेशन आपको 20 से पहले कर देना है।
अब देखिए यहाँ पे आप पीडीएफ डाउनलोड करके इसके बाद पढ़ लेंगे, इसमें और ज़्यादा कुछ चीज़ें बताने की ज़रूरत नहीं है, आप खुद इसका सिलेबस तो मैंने बता ही दिया, और भी जो चीज़ें हैं आप पढ़ सकते हैं पीडीएफ डाउनलोड करके। ओके, तो वीडियो कैसा लगा वो ज़रूर बताइएगा, और कुछ भी आपके मन में डाउट हो तो भी आप ज़रूर हमें बताएंगे, कुछ भी क्वेरी हो तो आप मुझे बताएंगे, और आप मुझे फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हो, कोई भी क्वेरी हो आप मुझे फेसबुक पे मैसेज कीजिए, मैं यहाँ पे आपके मैसेज का जवाब ज़रूर दूंगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो वीडियो कैसा लगा वो ज़रूर बताइएगा, और कोई भी प्रॉब्लम हो आप कमेंट में ज़रूर लिखिए। सो थैंक्स वॉचिंग दिस वीडियो।